हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है आइडल देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास सिक्स की जो आपको वर्कबुक प्रोवाइड की गई है, लर्निंग गैप आउटकम है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट की मध्य प्रदेश जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसकी एक्टिविटी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और उसकी एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं। तो उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास सिक्स की जो लर्निंग गैप सामग्री आपको प्रदान की गई मध्य प्रदेश जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसकी अन एक्टिविटी के साथ हम फिर से नए लेक्चर को लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें भी हम एक्टिविटी को आसान भाषा में आपको समझाएंगे और आपको जो समझ नहीं आएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम आज आपको E5 10 जो लर्निंग आउटकम सामग्री आपको प्रदान की गई है मध्य प्रदेश जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसकी एक्टिविटी हम आसान भाषा में समझाएंगे। तो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट के लिए हम बात करें तो एक्टिविटी जो वन है वो एक वचन शब्दों को रेखांकित करने, यानी जो अंडरलाइन द सिंगुलर एंड सर्किल द प्लूलर, यानी गोला किस में लगाना है, प्लूलर वर्ड्स में, और अंडरलाइन किस में करना है, सिंगुलर में। ठीक है, तो चलो देखते हैं है ना कि हमें सिंगुलर वर्ड कहाँ मिलेंगे और प्लूलर कहाँ मिल जाएंगे। ठीक है ना, ओके चलो देखते हैं। देखो ये जो आई है वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। पेरेंट्स प्लूलर है तो सर्किल कर दिया। सिस्टर सिंगुलर है तो अंडरलाइन कर दिया। पूजा सिंगुलर है तो अंडरलाइन कर दिया। क्लोज प्लूलर है तो सर्किल कर दिया। गॉडेस, यानी ये भी सिंगुलर में आएगा ना, गॉडेस सिंगुलर है वो, गॉडेस है ना, लक्ष्मी सिंगुलर में आएगा। स्वीट्स प्लूलर में आएगा, स्वीट्स प्लूलर में आएगा। फायरवर्क्स प्लूलर में आएगा, फायरवर्क्स यानी जो फटाखे वटाखे फोड़ते हैं ना उनको। लाइट्स प्लूलर में आएगा और हैप्पीनेस प्लूलर में आएगा है ना, खुशी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, देखो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स प्लूलर में लिख दिए। ये स्वीट्स प्लूलर में, फायरवर्क्स यानी जो फटाखे वटाखे, लाइट्स यानी प्रकाश, हैप्पीनेस यानी खुली, सिंगुलर यानी एक वचन, तो सिस्टर आ गया, आई आ गया। ठीक है, इनको आपको यहाँ पे लिखना था कहाँ से, यहाँ से ऊपर वाले से। ठीक है, बड़े आगे की तरफ। अब इसमें जो हमने ऊपर में अंडरलाइन सिंगुलर वर्ड्स किए थे ना, ऊपर में किए थे ना सिंगुलर, तो इसे सिस्टर किए थे, आई किए थे, उनके प्लूरल लिखना। सिस्टर यानी बहन, ढेर सारी बहनों क्या बोलेंगे, सिस्टर्स। आई यानी मैं, यानी वी यानी हम। ठीक है, यदि और भी आपको कुछ मिले तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं अपनी अपनी कॉपी में। हमें दो मिले थे तो हमने दो लिख दिए। ठीक है ना, बड़े आगे की तरफ। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी में हमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जैसे वन, वन यानी एक, मैनी यानी कई, गर्ल यानी लड़की, गर्ल्स यानी लड़कियाँ, बेबी यानी बच्चा, बेबी यानी ढेर सारे बच्चे, बॉय यानी लड़का, बॉयस यानी ढेर सारे लड़के, मंकी यानी बंदर, मंकीस यानी ढेर सारे बंदर, वाइफ यानी पत्नी, वाइफ यानी पत्नियाँ, बस का बसेस हो गया। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ड दिए गए हैं, उनके क्या बनाना है, प्लूरल फॉर्म बनाना है। जैसे बर्ड, बर्ड का बर्ड्स हो जाएगा है ना, बर्ड यानी पक्षी तो पक्षियाँ, बेंच का बेंचेस हो जाएगा, डंकी यानी गधा तो गधे हो जाएगा, बस का बसेस हो जाएगा, क्लास का कक्षा का कक्षा है, नाइफ यानी चाकू का चौकी हो जाएगा। ठीक है, चेयर यानी कुर्सी है ना, इसको हमें एक वचन में लिखना है यानी सिंगुलर फॉर्म में। चेयर्स है यानी कुर्सियाँ हैं, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, चेयर यानी कुर्सी। कीस यानी चाबियाँ, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, की यानी चाबी। लीव्स यानी पत्ती, लीफ यानी पत्ती। टेबल्स का टेबल। तिथि यानी बहुत सारे डाक, तो सिंगुलर में तुत। माइस यानी बहुत सारे चूहे, तो एक चूहे क्या बोलेंगे, माउस बोलेंगे। आया समझ में, उसमें कुछ है नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है। ये वर्ड दिए गए हैं ना, इनमें से अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है, जिसमें यदि एक वचन वाला होगा तो एक वचन वाला लिखना है वर्ब को ध्यान में रखते हुए, और बहुवचन वाली बात कर रहा होगा तो बहुवचन वाले यहाँ पे वर्ड को डालना है। जैसे आ ब्लैंक की सिटिंग ऑन द ब्रांच, सिट इज एक वचन के लिए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मंकीस आएगा या मंकी, तो एक वचन है तो मंकी, सिर्फ मंकी आएगा, एस वाला नहीं आएगा। ये ढेर सारे मंकी की बात कर रहा है, सिंगुलर तो ये मंकी। देयर वर, देखो ये क्या हो गया, वर्ब जो है वो ढेर सारे की बात कर रहा है, मैनी, यहाँ पर ट्रीस आ जाएगा, ट्री नहीं आएगा, टी आर डबल ई एस। ठीक है, यहाँ एक लड़की की बात कर रहा है तो ये सिर्फ गर्ल आ जाएगा। यहाँ पे एक आदमी की बात कर रहा है ए सिंगुलर की, तो यहाँ मैन आ जाएगा। प्लूरल की बात करता तो एम ई एन वाला आता,
सिंगुलर की बात कर रहे तो एम ए एन वाला आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे तो एक कुत्ता ए डॉग आ गया। ठीक है, डॉग कहाँ रहता है तो केनल में, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसी प्रकार यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ये जो वर्ड दिए गए हैं उनकी मदद से ये सेंटेंस पूरे फिलअप करना है। ठीक है, जैसे देयर इज़ ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम, उसी प्रकार करना है। देयर आर थ्री बुक्स इन द क्लास, देयर इज़ ओनली वन बस, देयर आर मैनी पेंस इन द क्लास। ठीक है, देयर इज ओनली वन काउ, देयर आर फोर पैरट्स इन द रूम। इस तरीके से हमको फिलअप करना था। कहाँ से करना था इसे? इसे हमें करना था कहाँ से करना था? इनकी मदद से करना था। ठीक है ना, ओके। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर जो राइट द सेंटेंस फाउंड द टेबल इन द ब्लैंक स्पेस, जो ऊपर के सेंटेंस थे ना उनको यहाँ पे लिखना था। तो देखो ये जो ऊपर के सेंटेंस थे कि नहीं, ये वाले ये जो सेंटेंस थे ना, ये वाले सेंटेंस, इनको यहाँ पे लिखना था ब्लैंक स्पेस में। तो हमने फिलअप कर दिया है ना। देखो ये क्या लिखा है, देयर आर थ्री बुक्स इन द क्लास, यानी तीन पुस्तकें क्लास में हैं। देयर इज़ ओनली वन बस, यानी सिर्फ एक बस है। देयर आर मैनी पेंस इन द क्लास, यानी क्लास में ढेर सारे पेंस हैं। देयर इज़ ओनली वन काउ, यानी एक काऊ है, एक गाय है। देयर आर फोर पैरट्स इन द रूम, यानी रूम में चार तोते हैं। ठीक है, देयर यानी यहाँ, आर तो मतलब बहुवचन के रूप में होगा, फोर यानी चार, पैरट्स यानी तोते, रूम यानी कमरे। ठीक है ना, आया समझ। अब एक्टिविटी टू में हमें, ये जो एक्टिविटी टू है इसमें निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो बोल रहा है। मैस्कुलाइन यानी पुरुष वाली, और फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग की बात करते हैं। जैसे बॉय का घर, लड़के का लड़की, ब्रदर यानी लड़का, सिस्टर यानी लड़की, बुल यानी सांड, काऊ यानी गाय, हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़े की जो स्त्रीलिंग है उसके लिए मेयर यूज़ करते हैं, हस्बैंड का वाइफ, पति का पत्नी हो गया, सर का मैडम, लायन का लायनेस, प्रिंस का राजकुमार का राजकुमारी। ठीक है, शेर का शेर नहीं था, उसी प्रकार टाइगर का टाइग्रेस, शेर का शेर नहीं हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस है ना, गॉड का गॉडेस, हंटर का हंट्रेस। गॉड यानी भगवान है ना, तो यदि हमें कोई देवी की मतलब देवता हो गए गॉड, तो गॉडेस यानी देवी, एक्टर यानी पुरुष जो काम करने वाले अभिनेता होते हैं उनके लिए, तो ये एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री, हंटर यानी शिकारी है ना, हंट्रेस यानी स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होगा। आया समझ, ठीक है ना। बढ़े आगे की तरफ। हमें यहाँ पे अब क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें ये फेमिनाइन दिया है, नहीं ये हमें मैस्कुलाइन फॉर्म में दिया है, यानी पुरुषवाचक दिया है, तो उसको हमको स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर के फॉर्म में चेंज करना है मैस्कुलाइन का। जैसे प्रिंस का प्रिंसेस हो गया है ना, राजकुमार का राजकुमारी, मेन यानी आदमी का वुमेन यानी महिला हो गई, हॉर्स का मेयर हो गया, लायन का लायनेस हो गया, सन का डॉटर हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया। आया समझ। अब यहाँ पे हमको कुछ स्त्रीलिंग दी गई है ना, मैस्कुलिन मतलब राइट द मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनाइन दिए गए हैं, इनके हमको मैस्कुलाइन फॉर्म लिखना है, ये फेमिनाइन है। ठीक है, चलो देखते हैं। मदर का फादर, ये माता का पिता, आंटी का अंकल, सिस्टर का ब्रदर, बिच यानी बिच का डॉग, कुतिया का कुत्ता, हैन मुर्गी का कॉक मुर्गा, नाइस यानी नाइस का नेफ्यू, नेफ्यू यानी क्या होता है भतीजा है ना, तो नाइस यानी भतीजी हो गया। आया समझ, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री, चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो अंडरलाइन वर्ड है ना उनके जेंडर चेंज करना है और फिर से पूरे सेंटेंस को लिखना है। जैसे किंग है तो किंग का इन्होंने क्वीन कर दिया, प्रिंस का प्रिंसेस कर दिया और सेंटेंस को एज इट इज लिख दिया। अब सेकेंड वाला देखो, द बॉय हेल्प द ओल्ड मैन, बॉय का क्या हो जाएगा, ये फेमिनाइन है ना, है ना, मतलब इसको फेमिनाइन फॉर्म में चेंज करना है, तो बॉय का गर्ल, ओल्ड मैन का यंग मैन। आया, ये अंडरलाइन था, हमने चेंज कर दिया और एज इट इज़ लिख दिए। आ गया ना समझ। उसी प्रकार आगे ये करना है, जैसे अंकल का क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा, माई अंकल का अंकल की जगह आंट लिखो और जैसे का वैसा सेंटेंस लिख दो, लायन की जगह लायनेस लिखो, टाइगर की जगह टाइग्रेस लिखो और जैसे का वैसा सेंटेंस लिख दो, फादर की जगह मदर लिखो, ब्रदर की जगह सिस्टर लिखो और जैसे का वैसा सेंटेंस लिख दो, हस्बैंड की जगह वाइफ लिखो, किंग की जगह क्वीन लिखो और जैसे का वैसा सेंटेंस लिख दो। ठीक है ना, बाकी और उसमें कुछ है नहीं।
अब एक्टिविटी नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, ठीक है, और ये बता रहा है कि जो ये अंडरलाइन शब्द हैं वो सभी एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। नाउन या प्रोनाउन की यदि कोई विशेषता बता रहे हों, उनको मॉडिफाई कर रहे हों, तो उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हरी स्टाल, यानी हरी कैसा है, ऊंचा है, ये विशेषता बता रहे हैं कि हरी की। द वुमेन इज़ यंग, यानी महिला कैसी है, यंग है, यानी यंग यानी क्या होता है, जवान है। द स्टिक इज़ लॉन्ग, यानी लकड़ी कैसी है, लंबी है, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। द पेंसिल इज़ शॉर्ट, पेंसिल कैसी है, छोटी है। आइस इज़ कोल्ड, बर्फ कैसी है, ठंडी है। ही इज़ अ रिच मैन, यानी वह अमीर आदमी है। ही हैज़ अ वाइट डॉग, उसके पास सफ़ेद कुत्ता है। बाली हैज़ अ न्यू शू, बाली के पास नए शूज़ हैं। आया समझ। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अंडरलाइन द एडजेक्टिव अ हैप्पी बॉय, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी बॉय में अंडरलाइन कौन सा होगा, हैप्पी। लवली में ये लवली वाला, ठीक है। एलिफेंट में बिग। रोज़ कैसा है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, बिग यानी बड़ा, लवली यानी प्यारी। मैन कैसा है, हॉनेस्ट यानी ईमानदार। एनिमल यानी पशु कैसा है, वाइल्ड जंगली। माउस यानी चूहा कैसा है, स्मॉल यानी छोटा। बिल्डिंग ओल्ड यानी पुरानी, सिटी लार्ज बड़ी। बॉय कैसा है, क्लेवर यानी चतुर है। आया, मतलब हमें क्या करना था, एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना था। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन सर्किल द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव पर गोला लगाना है और राइट इन द गिवन स्पेस। जैसे गोला लगा है और इसको सामने वाली स्पेस में लिखे। जैसे अकबर वासा किंग, कैसा था वो, कैसा राजा था, वाइस, वाइस यानी बुद्धिमान। तो वाइस क्या हो गया, अकबर की विशेषता बता रहा है, यहाँ लिख दिए। उसी प्रकार लंदन इज़ अ बिजी सिटी, सिटी तो है लेकिन कैसा है, बिजी यानी बहुत, बोलना चाहिए किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, तो बिजी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सोल्जर्स आर ब्रेव, ब्रेव यानी क्या होता है, ब्रेव यानी क्या होता है, ब्रेव यानी बोलना चाहिए जो किसी से न डरते हों, तो ये ब्रेव इसका एडजेक्टिव हो गया। ही हैज़ अ कार, कैसी कार है, येलो, तो येलो इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, येलो यानी पीला। लायंस आर स्ट्रांग, स्ट्रांग यानी ताकतवर, तो यहाँ पे स्ट्रांग आ गया। द नाइफ इज़ शार्प, नाइफ बहुत तेज होती है, यहाँ पे शार्प लिख दिए। रोजेस आर रेड, गुलाब कैसे हैं, लाल है। गुड बॉय स्पीक ट्रूथ, गुड यानी अच्छे लड़के हमेशा सत्य बोलते हैं। आया समझ। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है इन ये जो एडजेक्टिव दी गई उनकी मदद से। जैसे द ताज इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, यानी प्रसिद्ध मोनूमेंट्स यानी स्मारक है, तो ब्लैंक था, तो कैसा स्मारक है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध के लिए आएगा फेमस। जैसे इट इज़ ब्लैंक टू मेक फन ऑफ अदर, फन ऑफ अदर यानी किसी का मजाक बनाना क्या है, बुरी बात है, तो यहाँ बैड आ गया। अर्ली राइजिंग यानी सुबह जल्दी उठना कैसी आदत है, अच्छी, तो यहाँ गुड आदत आ गया। रानी इज एन ब्लैंक गर्ल, कैसी गर्ल रानी, इंटेलिजेंट यानी बहुत तेज पढ़ाई में। द डॉग इज़ अ ब्लैंक एनिमल, फेथफुल यानी विश्वास पात्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड फिलअप करना है ना। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, जैसे ब्राइट एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, ब्राइट यानी चमकना, डार्क यानी ब्राइट यानी ब्राइट कर रहा है, चमक रहा है, तो डार्क हो गया अंधेरा। लॉन्ग लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी जो ईमानदार नहीं होता हो, है ना। फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला। वाइड यानी चौड़ा, नेरो यानी सकरा। हॉट यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा। आया समझ। आ गया स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि जो एक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स के बारे में जाना, वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता हो, इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अपने ग्रुप तक इसको पहुँचाएँ। और कुछ कमी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और वायरल फीवर से बचे रहें। ओके स्टूडेंट।